भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पूजन अर्चना कर नंदी हॉल में शिव आराधना की। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की विजय का शंखनाद किया। देखिए रिपोर्ट। बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पत्नी पुत्र के साथ नड्डा ने की महाकाल की पूजा। सीएम यादव ने 400 पार का किया दावा। और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। दरअसल वे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पत्नी और पुत्र के साथ यहां पहुंचे थे। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद थे। नागझरी हेलीपैड से काफिला महाकाल मंदिर पहुंचा, जहां महानिर्वाणी अखाड़े पहुंचकर मंदिर समिति के द्वारा तय ड्रेस कोड पहनकर सभी लोग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां पंडित राजेश शर्मा के द्वारा पंचामृत पूजन और आरती करवाई गई। इसके बाद नंदी हॉल में मंदिर के पंडित पुजारियों ने मंत्रोच्चारण किया, जहाँ जेपी नड्डा और डॉक्टर मोहन यादव सहित सभी लोग शिव भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीट जीतेंगे। इसी के साथ ही देश में अब की बार 400 पार होगा। बोले महाकाल महाराज की जय। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ। यहाँ से सतना, खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर आना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा है वो सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। जय महाकाल। इस दौरान महाकाल मंदिर पुजारी राजेश शर्मा ने भी अपनी बात रखी। यजमान है मुख्यमंत्री जी और जेपी नड्डा जी साहब आए, परिवार भी था नड्डा साहब का, उनके लड़के हरीश भी थे, उनकी मम्मी माता जी भी थे। सबने पंचामृत पूजन गर्भगृह में किया। भगवान से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, वो सबकी मंगल कामना के लिए उन्होंने पूजन की। कौन सा पूजन करा? पंचामृत पूजन करा भगवान का, षोडशोपचार पंचामृत पूजन। बता दें कि बाबा महाकाल की शरण में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और मध्य प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।